ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अगली खबर भी सरगुजा से, जहां जिले में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा जिला के स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टेट बैंक के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लगभग 2000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पे हैं, जिनकी चार प्रमुख मांगे हैं, जिनमें वेतन विसंगति, पुलिस कर्मचारी की तरह 13 माह का वेतन और नियमितीकरण के साथ 62 वर्ष तक सेवा की गारंटी देना जैसी मांगे प्रमुख हैं। हम स्वास्थ्य कर्मचारी वेतन विसंगति और पुलिस के समान 13 माह का वेतन तथा अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना तथा उनको 62 वर्ष की सेवा की गारंटी देना, इस तरह 24 मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। प्रमुख मांग आपकी क्या है? हमारी प्रमुख मांग वेतन विसंगति और पुलिस के समान 13 माह का वेतन तथा अनियमित कर्मचारियों को समान कार्य और समान वेतन दिया जाए। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग अंतिम समय तक लड़ेंगे और अपनी मांग पूरी करवाएंगे। हम लोगों का मांग ये है कि अगर रख रहे हैं तो उनको 60 साल उम्र तक रखा जाए, और साथ में उनका शोषण हो रहा है क्योंकि 10 और 12 हज़ार में आज के समय में उनसे काम लिया जा रहा है। एक अगर स्टाफ नर्स है जो रेगुलर स्टाफ नर्स, वो 60,000 वेतन पाती है, तो एक हमारे यहाँ NM या CHO या जो भी अनियमित लोग हैं उनको 10 से 15 हज़ार में काम लिया जा रहा है। तो इस शोषण को बंद करे सरकार और समान कार्य समान वेतन लागू करे और 60 साल उम्र तक उनका नौकरी की गारंटी दे। हमारी जो चार सूत्रीय मेन मांग है, इसके लिए हमने 6 अप्रैल को एक बार घेराव कर चुके हैं हम राजधानी रायपुर में, जिसमें हमारे सभी CHO वहां गए थे। 100% हम 2500 CHO वहां गए थे। इसके लिए हम शासन को एक बार हम बता चुके हैं कि हमारी ये मांगे हैं, इसको आप पूरा कीजिए, लेकिन इस पर शासन का ध्यान नहीं आया, जिसकी वजह से आज हमको इस घेराव में आना, हड़ताल में आना पड़ा है। हमारी जो चार मांगे हैं उसमें हमारा वेतन विसंगति दूर होना करना है और नियमितीकरण के लिए शासन ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र में घोषणा किया था उसके अनुरूप हमको नियमितीकरण करे। और हमारी जो मांगे हैं उसमें है हमको EPF का लाभ मिले। EPF का लाभ कुछ CHO को नहीं मिलता है, वो मिले और हमारा स्थानांतरण खोला जाए। हमारा स्थानांतरण अभी NHM ऑफिस से बंद है, गृह जिला में हमारा स्थानांतरण नहीं हो रहा, वो यही हमारी मांगे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।